भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,439 नए केस आए सामने, कल की तुलना में 23.7% ज्यादा। आम आदमी को नहीं मिली कोई राहत, 4% ही रहेगा रेपो रेट, रिजर्व बैंक का ऐलान। 20 का केंद्र पर हमला, कहा किसान और आम जनता के प्रति मोदी सरकार असंवेदनशील। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन की दहशत, मसूरी में क्रिसमस और नए वर्ष के लिए होटल बुकिंग रद्द करा रहे पर्यटक। उत्तराखंड में गुनगुनी धूप ने पहुंचाई राहत, लेकिन औली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिले। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन के। देवस्थानम बोर्ड को कैबिनेट में निरस्त किए जाने पर श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पोखरी पहुंचने पर आभार जताते हुए उन्हें श्री बद्री विशाल की चादर पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर डिमरी पंचायत के प्रमुख सदस्य और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पंकज डिमरी ने मुख्यमंत्री के हाथों में श्री बद्रीनाथ का धर्म ध्वज सौंपते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। सभी डिमरी पुजारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आगामी चुनावों का आशीर्वाद भी दिया। कलियर के विधानसभा पिरान गांव तेलीवाला में आम आदमी पार्टी ने एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम आपका बेटा आपके घर पर रखा है। वहीं इंजीनियर शादाब आलम का कहना है कि वो सभी जगह का दौरा कर रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है और ये जो बीजेपी और कांग्रेस की बीमारी है, जनता उससे बचना चाहती है। लोग चाहते हैं कि शिक्षा बिजली पानी की समस्या को देखते हुए जनता आम आदमी पार्टी की सरकार लाना चाहती है। विकास को लेकर शादाब आलम ने कहा कि कलियर धर्मनगरी में सबसे पहले सीसीटीवी लगाई जाए, क्योंकि यहां से बच्चे ज्यादा गुम होते हैं और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक जी का चेहरा नहीं देखा कैसा, कल एक आपको बता दूं डिबेट थी न्यूज वालों की, तो उसमें से विधायक जी गायब हो गए, विधायक जी ने अपना बंदा भेज दिया, विधायक जी के पास तो जवाब ही नहीं है देने के लिए, जनता उनसे जवाब मांग रही है, विधायक जी गायब है। किस तरह की 2022 में चुनाव की तैयारी है और इसमें किस तरह की पार्टी मजबूत करके आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए जी, पीरान कलियर के अंदर जिन मुद्दों पे काम नहीं हुआ है, आज भी घोड़े तांगे से लोग बाग सफर करते हैं। कलियर विधानसभा के ग्राम माजरी गुम्मावाला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन बीजेपी नेता और वरिष्ठ समाजसेवी मुनीश सैनी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें विधवा पेंशन और विकलांग प्रमाण पत्र बनाए गए। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्तराखंड सरकार ने योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी ने कहा कि इस तरह के कैंपों का आयोजन लोगों में जागरूकता पैदा करता है और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उससे लोग लाभान्वित होते हैं। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो भारत के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। हम लोग तो पहले से ही विकास के लिए कटिबद्ध रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हर समय विकास करती है और सबका विकास करती है, वो किसी द्वेष के बिना भी भेदभाव के विकास कार्य कराती है और पहले से चलते रहते हैं। और अगर हम लोग जो चुनाव के समय में लगाते तो जो भाई हमारे इनसे जो लाभान्वित नहीं हुए थे तो हम लोगों को कैसे पता चलता? जब आदमी पहले से ही विकास करता हुआ आता है तभी तो उसे पता चलता है कि 5 आदमी 10 आदमी 100 आदमी या इतने आदमी हमारे अभी इसका लाभान्वित नहीं हुए। लंढौरा में एक ईंट भट्टे के उद्घाटन में पहुंचे गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि ईंट भट्टा मालिकों की जो भी शिकायत है उनको जल्द ही सीएम से मिलकर दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साल 2024 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग शुरू हो जाएगा। सरकार ने 24,000 नौकरियां निकाली है। राज्य सरकार ने इंटर और हाई स्कूल में करीब 2,00,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट देगी। उन्होंने गन्ना किसानों के पुराने बकाया पर कहा कि मामले अभी न्यायालय में है, मिलों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि 15 दिनों में किसानों को गन्ने का भुगतान किया जाए, जिस पर अमल करते हुए मिलों ने भुगतान शुरू भी कर दिया है। नए ईंट भट्टे की शुरुआत की है,
उसके शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक नए उद्योग की शुरुआत यहाँ पर की, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दूसरा, दो तीन समस्याएं इससे जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं इस उद्योग से, उनकी थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकते हैं और जो परेशानी इस उद्योग के सामने है उसका। उच्च न्यायालय नैनीताल ने जिला उधम सिंह नगर और नैनीताल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी मानकों के खिलाफ संचालित स्टोन क्रशर मामले में जनहित में याचिका सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन एस धानिक खंडपीठ ने जिलाधिकारी को एक महीने के अंदर याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच करके अवैध खनन को बंद करने के निर्देश दिए हैं। गांव गजरौला के हसराज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। पर्यटन विभाग ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और वेदशाला का जीर्णोद्धार किया, जिसका आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लोकार्पण किया। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन और शहर के राजनीतिक सामाजिक लोगों को आमंत्रण नहीं देने के कारण खास आक्रोश भी देखने को मिला और पर्यटन मंत्री के सामने ही स्थानीय लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की। लोकार्पण समारोह में पहुंचे प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का पत्थर साबित होगा और पर्यटन विभाग ने इस ऐतिहासिक धरोहर को सजोने का कार्य किया है। सबसे अच्छी बात है कि जॉर्ज एवरेस्ट सिंह को याद आया, आज याद आया, इतने सालों बाद याद आया। और 24 करोड़ रुपए की बर्बादी में आज देख रहा हूँ कि 24 करोड़ रुपए यहाँ लगे, कहाँ लगे, किस बात पे लगे हैं, ये मेरी समझ नहीं आई। और आज उद्घाटन किया, मैं अभी होटल एसोसिएशन में पूछ रहा था, वो भी गर्दन हिला रहे कि हाँ बुलाया था या नहीं बुलाया था। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है सरकार की और इन माननीय मंत्री जी की भी, और माननीय मंत्री जी के विभाग की सबसे बड़ी वो है कि मसूरी में जो नगर पालिका प्रथम व्यक्ति जो मसूरी का नगर पालिका का है, जिसके अंडर में ये सड़क आती है, सब कुछ आती है, ये सड़क हमने बनाई थी पहले नगर पालिका ने जब हम अध्यक्ष थे, और उस तक को निमंत्रण नहीं है, स्थानीय किसी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं है, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर स्थानीय लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कौन व्यक्ति आएगा, इनके प्रचार प्रसार से आ जाएगा। आज सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का आवासीय परिसर का और जो उनकी वेदशाला थी, ऑब्जर्वेटरी थी, उसका लोकार्पण किया गया। ये सब कार्य जो है 16,46,86,480 में ये पूरे किए गए हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि मसूरी के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा कि लोग यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट ने जो ग्रेट आग को नापा था और जो यहाँ से माउंटेन पीक्स को नापा था, तो ऐसे स्थल में वो आकर के उनके घर को देख सकेंगे, उनके रहन सहन को देख सकेंगे और यहाँ की जो सुंदरता है, सारी हिमाच्छादित आप चोटियों को देख रहे हैं तो अपने आप में विराट दृश्य हिमालय का यहाँ से दृष्टिगोचर होता है। और निश्चित रूप में जो काम सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया बहुत अद्भुत। हरिद्वार के नजीबाबाद हाईवे के लाल ढांग मीठी बेरी मार्ग पर अचानक जंगली हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया, जिसके बाद सड़क पर चल रहे हाथी वाहनों के पीछे दौड़ने लगे, जिसका वीडियो एक कार संचालक ने बना लिया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हाथियों के सड़क पर आने से आधे घंटे तक वाहनों की रफ्तार थमी रही। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों ने बताया कि जंगली जानवरों का कॉरिडोर होने के कारण आए दिन क्षेत्र की सड़क जंगली जानवर देखने को मिलते हैं और इसी के तहत ये जानवर भी देखने को मिले। एशियन डेवलपमेंट बैंक से नैनीताल के लिए 100 करोड़ से अधिक के सीवेज प्रोजेक्ट का रास्ता साफ होने से चुनाव से पहले सरकार से बड़ी सौगात मिली है। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से नैनीताल के 20 या 20 से अधिक कमरे वाले होटल कारोबारियों को निजी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बाध्यता भी समाप्त हो जाएगी। नैनीताल में सीवर लाइन दशकों पुरानी हो चुकी है, आधे हिस्से की 70 के दशक के आधी 1985 के आसपास की है। पुरानी लाइन होने के कारण रोज एक दर्जन के करीब की सीवर चोक होने या फटने की शिकायत आती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निकायों से 5 साल के भीतर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश पारित किए हैं। अब
एडीबी से नैनीताल का प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद ये होटल व्यवसायियों की टेंशन खत्म हो गई है। जल संस्थान के सहायक अभियंता दिलीप बिष्ट ने माना है कि पुराने सीवर लाइन के चैम्बर खराब हो चुके हैं, मोहल्लों में भी सीवर के पाइप जर्जर हो चुके हैं। तो नैनीताल को अब गंदगी से निजात मिलेगी। जिस तरह से ये सीवर लाइन खराब होने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था होटल व्यापारियों को, अब उससे उन्हें भी निजात मिलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि कई 70 के दशक के पहले की बनी हुई है ये सीवर लाइन और 1985 के आसपास की भी बताई जा रही है। पुरानी लाइन होने के कारण रोज एक दर्जन के करीब की सीवर चोक होने या फटने की शिकायतें आती रहती थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निकायों से 5 साल के भीतर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश पारित किए हैं। अब एडीबी से नैनीताल का प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद ये होटल व्यवसायियों की टेंशन खत्म हो गई है। जल संस्थान के सहायक अभियंता ने बताया है कि पुरानी सीवर लाइन के चैम्बर खराब हो चुके हैं, मोहल्ले में भी सीवर के पाइप जर्जर हो चुके हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।